नमस्कार, मम्मा बच्चा में आप सबका स्वागत है। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करिए चैनल की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं बेबी के लिए होममेड घी की। अगर आपने अपने बच्चे को घी देना स्टार्ट कर दिया है सो बेटर यही होगा आप उसे घर का बना हुआ फ्रेश घी दें। इसके लिए आपको दूध से निकली हुई क्रीम को स्टोर करके रखना है। ये मैंने करीब 5 से 6 दिन की क्रीम को फ्रिज में स्टोर करके रखा हुआ है। सो सेम आपको भी इस तरह दूध से क्रीम निकालना है और इसे स्टोर करके रखना है। और जब भी आप इसे घी बनाने जाएंगे तो आप इसे क्रीम को निकाल लेंगे और इसमें आप ये 2 स्पून दही ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर दही इसलिए यूज़ किया है ताकि जो ये घी है इसकी खुशबू बरकरार रहे और ये लंबे टाइम तक हम इसे यूज़ कर सकें। दही ऐड करने के बाद आप इसे 4-5 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। ध्यान ये रखिएगा इसे हमें फ्रिज के बाहर ही रखना है। इसके बाद जब 4-5 घंटे हो जाएं, इसके बाद हम एक बॉटल में ठंडा पानी लेंगे, चिल्ड वाटर लेना है, और हम ये ब्लेंडर में इसे इस क्रीम को ऐड करेंगे और हम इसमें पानी भी डालेंगे साथ में। पानी डालने के बाद हमें इसे ब्लेंड करना है। ये करीब 15 से 20 मिनट तक प्रोसेस टाइम लेता है पूरा घी बनने का। इसके बाद हम इसे 2 या 3 मिनट तक की ब्लेंड करेंगे और इसे हम निकाल के देखेंगे। आप देखेंगे अभी थोड़ा सा पानी और ये जो बटर है ये अभी थोड़ा अलग अलग नहीं हुआ है। हम चाहेंगे तो इसे 1 मिनट के लिए और ब्लेंड करेंगे। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो ये मक्खन और जो ये लस्सी है अलग अलग हो गया है। फिर हम इस मक्खन को एक सेपरेट बाउल जिसमें हमें घी बनाना है या आप कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं तो इसे हम एक सेपरेट बाउल या पैन में निकालेंगे। इस तरह से हम इसका पूरा मक्खन निकाल लेंगे। आप चाहें तो स्ट्रेनर भी यूज़ कर सकते हैं और इसे छानकर निकाल सकते हैं। ये मैं पूरा मक्खन निकालने के लिए यहाँ पर स्ट्रेनर यूज़ कर रही हूँ जिससे इसका जो ये दूध है ये अलग हो जाए और इसका हम मक्खन घी बनाने के लिए यूज़ कर सकें। अब हम मक्खन वाले पैन को हाई फ्लेम पर रखेंगे। स्टार्टिंग में हमें इसे हाई फ्लेम पर रखना है जिससे इसका पूरा मक्खन मेल्ट हो जाए। ये आप देखेंगे इसका मक्खन मेल्ट हो रहा है और जब ये पूरा मेल्ट हो जाएगा इसके बाद हम गैस को लो कर देंगे, लो फ्लेम पर रखेंगे और इसे हमें धीरे धीरे पकाना है। आप ध्यान ये रखिएगा इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे जिससे कि यह जले नहीं। और थोड़ा देर बाद आप देखेंगे कि इसका जो घी है वो अलग अलग दिखने लगेगा। बस इसी तरह से आपको कंटिन्यू चलाते रहना है और थोड़ा देर बाद आप देखेंगे कि ये घी लगभग तैयार हो चुका है। इसे हम थोड़ा ब्राउन होने तक पकाएंगे और जब ये ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसे ठंडा होने रखेंगे और उसके बाद हम इसे स्ट्रेनर से छान लेंगे। और ये आपका फ्रेश होममेड घी तैयार है। और जो ये बचा हुआ दूध था आप इसमें चाहे तो विनेगर या नींबू डालकर पनीर बना सकते हैं या कढ़ी के बनाने के लिए यूज़ ले सकते हैं या आप चाहें तो छाछ या लस्सी भी बना सकते हैं। हमारे चैनल को आप रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए।